नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे चावल की बहुत ही टेस्टी शाही खीर, जो हम सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए इसे फटाफट बना लेते हैं। तो आपने बहुत बार खीर बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, खाने में मजा आ जाएगी। तो हमने लिया है बासमती राइस, मैंने रोजाना बासमती राइस लिया है। बहुत लंबा वाला बड़ा चावल लेने की हमें जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, तो इसकी खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर दो मुट्ठी चावल डालेंगे, या फिर आपको जितना चावल लेना है, जितनी खीर बनानी है उस हिसाब से आपको चावल लेना है। तो हमने दो मुट्ठी चावल ले लिया है अच्छी तरीके से भर के, बस और ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसमें पानी डालेंगे, दो से तीन बार इसे धो लेंगे। तो चावल को मैंने धो लिया है, अब हम क्या करेंगे, लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसके अंदर हम आधा चावल डाल देंगे जो हमने धुला है। इसमें से आधा चावल इसके अंदर हम डालेंगे। हमने 10 से 15 काजू और 5 से 6 बादाम को भिगा लिया है, तो इसमें से हम काजू को इसी चावल में डाल देंगे। तो सारे काजू को मैंने चावल में डाल दिया है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है इसे। तो इधर गैस पर हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध उबलने के लिए रख दिया है एक बर्तन में। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरीके से उबल रहा है। तो इसके अंदर जो बचा हुआ चावल है, आधा चावल मैंने बचा करके रखा है, इसमें डाल देंगे। तो उधर चावल हमारा दूध में पक रहा है और मैंने काजू और चावल को पीस करके तैयार कर लिया है, तो इसे भी हम इसी दूध में डाल देंगे चावल के साथ, इसे भी हमें पकाना है। तो जार में हमने 2 चम्मच पानी डाल दिया है और सारे काजू चावल को मैंने अच्छी तरीके से हिला करके इसी दूध के अंदर डाल दिया है। इसे मिला देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे मीडियम स्लो आंच पर पकाएंगे, और तेज आंच पर हमें नहीं पकाना है। तो चावल को हम पकने देते हैं। तो इधर हमने लिया है किशमिश, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो किशमिश को 2 से 3 बार हम धो लेंगे। तो किशमिश को मैंने धो दिया है, इसे साइड में रखेंगे। और हमने लिया है 2 बड़े चम्मच दूध, तो इसके अंदर हम डालेंगे 10 से 15 केसर, तो इसका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इधर हमने जो बादाम को भिगा करके रखा है, इसे भी छील लेंगे। अगर आप चाहें तो बादाम को सीधा ही काट करके डाल सकते हैं, लेकिन हम इसका छिलका उतार करके फिर खीर में डालेंगे, तो इसे हम छील लेते हैं। तो सारे बादाम को मैंने छील लिया है और इसे क्या करेंगे, हम चाकू से पतला पतला काट लेंगे। तो बादाम को मैंने काट करके रख लिया है और इधर चावल को हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध और चावल हमारा अच्छी तरीके से पक रहा है, तो इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। इससे क्या होगा, दूध हमारा गाढ़ा होता जाएगा, चावल भी अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो 5 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो मैंने 5 मिनट तक चावल को पका लिया है और मैंने साइड से जो मलाई जमती जाती है उसे हम इस तरीके से फुरस कर बीच में डालते जाते हैं, इससे ये खीर हमारी बहुत गाढ़ी बनती है। तो चलिए हम चावल को चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, अच्छे से दब रहा है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर शक्कर। तो हमें शक्कर को पहले नहीं डालना है, जब चावल हमारा पक जाए तभी हमें शक्कर को डालना है। अगर हम चीनी पहले डाल देंगे तो चावल हमारा पकना बंद हो जाता है, वो टाइट हो जाता है। तो चलिए स्वाद अनुसार हम चीनी डालेंगे। हमने 2 चम्मच चीनी डाला, 3 और 4 चम्मच चीनी हम डालेंगे। हमने 1 लीटर दूध लिया है, 2 मुट्ठी चावल लिया है, तो हमने इसके अंदर 4 चम्मच शक्कर डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और चीनी डाल सकते हैं। इसे मिला लेंगे और अब डालेंगे इसके साथ ये केसर वाला दूध, जिसे मैंने भिगा करके रखा है। इसे 2 मिनट तक हम पकाएंगे। तो चीनी हमारी गल चुकी है और चावल भी अच्छी तरीके से पक चुका है, तो आंच को हमें धीमा ही रखना है। अब डालेंगे इसके अंदर कटा हुआ पिस्ता, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। और बादाम को जो हमने पतली लच्छों में काटा है इसे डाल देंगे। नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो कसा हुआ नारियल डाल देंगे, आप नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं। 5 से 6 इलायची को मैंने छील कर कूट लिया है, इसे डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम कर देंगे गैस को बंद। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और अब डालेंगे इसके अंदर एक किशमिश, क्योंकि उबलते हुए दूध में हमें किशमिश को नहीं डालना है। कभी कभी क्या होता है, खीर हमारी फट जाती है, किशमिश थोड़ी सी खट्टी होती है,
तो हमें किशमिश को बाद में ही डालना है, इसीलिए मैंने इसे भिगा करके धो करके रखा है जिससे अच्छी तरीके से फूल जाए। बस इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलिए हम ढक्कन को हटाते हैं और खीर को मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट का और जो मैंने इलायची पाउडर डाला है सब अच्छी तरीके से मिक्स होकर अच्छी से खुशबू आ गई है। खीर हमारी बहुत अच्छी से बनकर तैयार हो गई है, आप इसका टेस्टर देख सकते हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं, इसे बाउल में निकालते हैं। तो चलिए हम खीर को गार्निश कर देते हैं बादाम के टुकड़ों से, ऊपर से पिस्ता डालेंगे और ग्रेटेड नारियल डालेंगे। तो हमारी बहुत ही टेस्टी शाही खीर बनकर तैयार हो गई है। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हमने एक कटोरी में निकाल करके रखा है, कितनी गाढ़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कितनी टेस्टी बनती है। तो बस झटपट आप इस खीर को बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी ये चावल की शाही खीर कैसी बनी।